पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम् बालम् मुकुंदम् मनसास्मरामि। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम वाग्देवताय श्री सरस्वत्यै परम हंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय। ओम मंगल मूर्तये हनुमते नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगल जग जानी।
श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम 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 सीता राम 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 श्याम 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 सीता राम राम संत समाज की जय समस्त भक्त समाज की जय अयोध्या धाम की जय वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम दयालु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरो श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी भासती अनुकंपा को प्राप्त कर गुरुदेव भगवान के वात्सल्य भरे सानिध्य में श्री हनुमंत लाल की पावन छत्र छाया को स्वीकार करते हुए हम श्रोता वक्ता अपने जीवन सार सर्वस्व प्रभु श्री सीता राघव के मंगलमय चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। राधा माधव के अनेकानेक रूपों में उपस्थित समस्त श्रोतागणों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अपने कन्हैया को हम प्यार भरा वंदन करते हैं। उपस्थित समस्त विप्र समाज विद्वत समाज एवं संत समाज के मंगलमय चरण कमलों में व्यासपीठ सादर वंदन करता है। आइए हम सभी लोग चलें अपने मानस यात्रा को आगे बढ़ावें।
सभी लोग प्रेम और भाव से हमारे संग गाते हुए झूमते हुए अपने इस मानस यात्रा को आगे बढ़ावें। राम भगति मनी और बस जाके तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक सूत्र बता रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे, बहुत ध्यान से श्रवण करो। इस दुख रूपी संसार में यदि सुख प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी। जिसके हृदय में भगवान राम की भक्ति विराजमान होती है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। सभी प्राणी मात्र की यही अभिलाषा होनी चाहिए कि हम येन केन प्रकारेण अपने जीवन में राम जी का प्रेम ले आवें, कन्हैया की भक्ति ले आवें, नारायण भगवान के नाम का स्मरण करने का प्रयास करते रहें। जैसी भी हो, हंस करके, रो करके, गा करके, जैसी भी हो, हरि नाम स्मरण हमारे आपके जीवन में होते रहना चाहिए। जैसे आप सभी लोग जब कभी बीमार होते होंगे तो क्या आपकी इच्छा होती है कि वो कड़वी कड़वी दवाई खावे? किसी की इच्छा होती है, किसी की इच्छा नहीं होती है जी। क्या किसी का शरीर इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार रहता है? फिर भी जब तबीयत खराब होती है ना, स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है और दवाई भी देता है, और इतनी कड़वी दवाई होती है कि उसको खाओ तो मुंह में वो कड़वापन हमेशा पांच दिन तक बना ही रहता है जी। ठीक है, आपकी इच्छा है तब भजन करो, बहुत अच्छी बात। नहीं इच्छा है तो भी भजन करो प्यारे, क्योंकि जब एक छोटी सी अंग्रेजी दवाई आपके रोग को दूर कर सकती है तो भगवान का नाम तो प्यारे ऐसी औषधि है जो आपके भव रूपी रोग को दूर करने में सामर्थ्यवान है प्यारे। इसलिए हरि नाम लेने में कोई बहाना कभी मत करना प्यारे। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार
धिक्कार, मैं नहीं कर रहा हूं जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं। किसी को बुरा लगे तो कुछ बोलना नहीं मुझे, क्योंकि मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये तो गोस्वामी जी का कहा हुआ आपको सुना रहे हैं जी। तो जब भी जीवन में आपकी इच्छा हो भक्ति करने की, अच्छी बात है, नहीं इच्छा कर रही है डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। अच्छा अच्छा, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, कल से जो है ना गर्म चीज खाना बंद कर देना। ठीक महाराज, वहां तो आदेश का पालन कर लेते हो, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो गया आपको। लेकिन संत महात्मा कहते हैं हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, आपका कल्याण होगा, आपको विश्वास ही नहीं होता है। एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास कर लेते हो प्यारी, लेकिन एक संत के ऊपर, राम नाम के ऊपर, राम जी की भक्ति के ऊपर महाराज विश्वास नहीं होता है। नहीं प्यारे, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य से यह मानव जीवन आपको मिला है, ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके इधर उधर मत भटको प्यारे। क्या कर रहे हो आप लोग, भगवान से प्रेम कर रहे हो कि नहीं, भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हो कि नहीं, विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वह समस्त वैभव से युक्त हो जाता है, उसके जीवन में दुख होता ही नहीं है, कष्ट होता ही नहीं है, पछतावा होता ही नहीं है। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? क्या आप ले लो माला ले लो और राम 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 करते रहो, भक्ति मिल जाएगी? बोलो ना। सो बिनु संत न काहू पाई, बिना संत के श्याम सुंदर की भक्ति नहीं मिल सकती है। तो ऐसी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास हम सभी लोग करते रहें प्यारे, ईमानदारी से करें, श्रद्धा से करें प्रयास, विश्वास से प्रयास करें। ईमानदारी, श्रद्धा और विश्वास ये त्रिवेणी है प्यारे, ये संगम बनाओ प्रयागराज। हमारे राजाधिराज राम अपने आप आपके हृदय रूपी वट वृक्ष पर आकर के विराजमान हो जाएंगे प्यारे, यदि आप श्रद्धा विश्वास और ईमानदारी से भजन करोगे तो। भगवान तो वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं जी, आपको मालूम है कि नहीं, भगवान शयन करते हैं प्रलय कालीन जल में। भगवान नारायण छोटे से बालक के रूप में बन जाते हैं और एक वट के पत्ते पर भगवान आराम से शयन करते रहते हैं। वट का पत्ता तैरता रहता है जल के ऊपर, जो प्रलय काल में जल होता है, और भगवान श्री कृष्ण करा रविंदे नपदा रविंदम मुखा रविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम। शुरू में प्रार्थना की जाती है ना, वही ठाकुर जी का ध्यान किया जाता है जो वट वृक्ष पर शयन कर रहे हैं और अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। ये सब बातें कौन बताएगा? संत बताएगा आपको, गुरु बताएंगे आपको। तो भगवान की भक्ति सबको करनी चाहिए प्यारे। आइए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। आज हमारे इस मानस यात्रा का अष्टम दिवस, नहीं जी सप्तम दिवस, ठीक ठीक सातवां दिन है। और इस मानस में भी सोपान कितने हैं, सीढ़ी कितनी है, कांड कितने हैं, सात। और आज भी देखो संजोग कितना अच्छा है, सप्तम दिवस है, सातवां दिन है। ये मानस यात्रा नौ दिनों की होती है प्यारे, जिस मानस यात्रा में हम सभी लोग चल रहे हैं। भगवान राम अपने 14 वर्ष की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। हम सभी लोग अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सभी लोग कभी विचार किए कि हम भक्ति के घाट पर हैं कि नहीं? कर्म तो सभी कर रहे हैं,
श्रद्धा सभी के अंदर है, लेकिन क्या आपके जीवन में भक्ति है? आज भगवान राम भक्ति के घाट पर पहुंच गए हैं। केवट भैया ने बहुत सुंदर पहुनाई किया है राम जी की और भगवान बहुत सुंदर शयन कर रहे हैं। आइए इसी विषय पर कुछ चर्चा, जैसा गुरुदेव भगवान ने मुझे शिक्षा दिया है उसी को हम सभी लोग प्रेम और भाव से गाते हुए झूमते हुए चलें। जब माँ कैकेयी ने राजा दशरथ जी से दो वरदान मांगा, भगवान राम दोनों वरदान को पालन करते हुए आगे बढ़े। एक वरदान से भरत का राज तिलक और दूसरे वरदान से बहुत सुंदर 14 वर्ष के लिए वनवास। भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। भगवान जैसे ही आगे बढ़ने लगे, अवधवासी भगवान के साथ चल लिए। हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु, हमें आप जहां रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे प्रभु। हमें आप जंगल में रखो तो हम जंगल में रह जाएंगे। हमें आप खुले आसमान के नीचे रखोगे तो भी हम वहीं रह जाएंगे। और यदि आपकी आज्ञा होगी प्रभु जी, आप कहोगे कि वृक्ष के नीचे शयन करो तो हम उसी वृक्ष के नीचे सो जाएंगे। आपसे हम कभी शिकायत नहीं करेंगे कि वनवास में जंगल में मुझे कष्ट हो रहा है। श्री राधे, प्रभु आप मुझे अपने संग ले चलिए। भगवान ने देखा हमारे अवधवासियों को, हमारे भक्तों को जंगल में बहुत कष्ट होगा, इसलिए भगवान ने अवधवासियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है जी। ये प्यार ऐसा होता है प्यारे, प्रेम कभी कुछ चाहता नहीं है, ध्यान देना। प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि प्रेम में समर्पण होता है प्यारे, प्रेम में त्याग होता है। आज अवधवासी अपने घर को त्याग दिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी त्याग दिए भगवान के संग जाने के लिए। समर्पण और त्याग, ये प्यार का सूत्र है प्यारे। भगवान से प्रेम करते हो तो पहले जीवन में त्याग करना सीखो और दूसरा समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के भक्तों के प्रति समर्पण, भगवान के नाम के प्रति समर्पण। भगवान आगे बढ़े, अवधवासी पीछे पीछे। रात्रि की बेला हुई तो अवधवासी एक वृक्ष के नीचे सो गए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुधि चलो प्यारे राम जी के साथ पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मोदित लिए चले हर्ष अपारा, मिलन चले हर्ष
सोधि गो है निषाद जब पाई शाद जब पाई शाद जब पाई। निषाद राज ने जैसे ही सुना हमारे राम जी आ रहे हैं, आहा, सबको बुला लिया, आ जाओ तुम भी आओ ना, तुम भी आओ, चलो चलो। सारे गांव वासियों को लेकर के निषाद राज भगवान से मिलने के लिए चल दिए। ध्यान देना प्यारे, भगवान निषाद राज के यहां खुद चल करके गए हैं। निषाद राज के गांव में दो कदम भगवान चले प्यारे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दो कदम आगे बढ़ो। आपके इस शहर में कथा रूपी गंगा चल करके आई है, अयोध्या धाम से चल करके आ रही है, वृंदावन धाम से चल करके यह कथा आई है प्यारे। दो कदम हम चले तो आपका भी फर्ज बनता है कि दो कदम आप भी आगे बढ़ो। भक्तों के जीवन में तो ऐसा ही स्वभाव है प्यारे। भक्त को यह विश्वास होता है कि जब कोई नहीं आता है तो हमारे राम जी आते हैं। निषाद राज को यह विश्वास है। देखो भाई, निषाद जो है ना, ये जो राजा है निषाद राज, ये बहुत गरीब है और ये अयोध्या जा नहीं सकता है क्योंकि यह दास है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दास मंदिर में जा नहीं सकता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं प्यारे, इतने दयालु हैं कि अपने भक्त निषाद के पास खुद चल करके आ रहे हैं। और निषाद राज जैसे ही देखा है हमारे राम जी आ रहे हैं, दूर से देख रहा है, अच्छा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और उनके बगल में सब श्री सुमंत जी भी हैं। सुमंत्र सुंदर मंत्र, जब तक हमारे आपके जीवन में सुंदर मंत्र नहीं होगा प्यारे, तब तक सीता राम लक्ष्मण नहीं आ सकते हमारे आपके हृदय में। तो सुमंत जी भी साथ में हैं। और जैसे निषाद राज भगवान को दूर से देखा है, निषाद राज की आंखें भीग गई और तुरंत उसका हृदय झूमने लगा। भगवान के स्वरूप का दर्शन करके निषाद राज भगवान का सखा है प्यारे। बचपन में राम जी से मित्रता हुई है इसकी, और एक मित्र जब अपने मित्र को देखता है तो वह झूम उठता है, राम जी आ गए, मुझे मालूम था कि जब कोई नहीं आता है हमारे घर पे तो हमारे राम जी जरूर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास था। तो आइए उसी विश्वास का थोड़ा सा हम सभी लोग दर्शन करें प्रेम और भाव से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता ओ, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं
मेरे दुख के दिलों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते चलती है पटवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पटवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पटवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पटवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, दरकार पड़े जब भी दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता राम, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। प्यार करे इतना बड़ा होकर भी दीनों से प्यार करे, इतना बड़ा होकर भी प्रेमी से प्यार करे, इतना बड़ा होकर भी दीनों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार 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 करे, हम भक्तों का कहना दिनों में वो बड़े काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, जब कोई नहीं आता रा, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भाई प्यार करें इनसे ये उनका बन जाए, कोई प्यार करे इनसे ये उनका बन जाए, कोई प्यार करे इनको ये उनका बन जाए, कोई प्यार करे इनको ये उनका बन जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो 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 जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता राम जी मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में ये जब कोई नहीं आता है तो हमारे राम जी आते हैं। ये किसकी भावना है मालूम है? ये भक्त की भावना है, निषाद राज की भावना है। प्यारे निषाद राज ने देखा हमारे राम जी आ रहे हैं, दौड़ा हुआ चला आ रहा है। राम जी आप आ गए, ध्यान देना प्यारे, आज निषाद राज भगवान से मिलने के लिए चल रहे हैं। ये निषाद राज का भाग्य है प्यारे कि जिसके पीछे सारा संसार भागता है, जिसके पीछे सारा संसार चलता है, आज वो भगवान राम निषाद राज के पास खुद चल करके आए हैं। प्यारे ये निषाद राज का केवट का भाग्य है प्यारे, ये भाग्य है केवट का। हाथों में कंदमूल फल ले लिया है श्री निषाद राज ने, प्रभो तुम्हें भूख लगी होगी, ये भक्त की भावना है।
एक भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है मालूम है? जिस तरह से माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो भक्त का भी परम कर्तव्य बनता है प्यारे कि भगवान से प्रेम कैसे करें, जिस तरह से वह अपने बच्चों से प्यार करती है माँ। और माँ का सबसे पहला भाव यही होता है, मान लो आपका बेटा कभी बाहर गया हो पढ़ने के लिए, सर्विस करने के लिए गया हो, दो चार साल के बाद जब आता है आपके पास, तो सच बताना आपके मन में सबसे पहले कौन सी भावना होती है? बेटा चल आ गया, जल्दी से नहा धो ले, हाथ पैर धो ले, पहले कुछ खा ले बेटा, रास्ते में चल करके आया होगा ना, कुछ खा लो बेटा। आज निषादराज इसी भावना को लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं। मिलन चले हो ही हर्ष अपारा, हृदय में अपार हर्ष है, आज मुझे राम जी का दर्शन होगा, हमारे राम जी आए हैं। कंदमूल फल ले लिया, ध्यान देना प्यारे, जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, गुरु के दरबार में जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम है, कुछ न कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए। निषादराज कंदमूल फल लेकर के भगवान के सामने खड़े हैं, और भगवान वनवासी के वेश में ना, अभी वनवासी के वेश में भगवान नहीं है, अभी भगवान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, केवल आभूषण नहीं है शरीर पर कोई, क्योंकि कैकेयी अम्बा ने सारा आभूषण उतरवा लिया था। मां जानकी, इनके पास आभूषण है, जब वनवास हो रहा था राम जी का ना, तो कैकेयी ने राम जी से कहा अपने गले में जो हार है वह उतार दो, लखन से कहा गले में जो स्वर्ण आभूषण है वह उतार दो, लेकिन जैसे ही जानकी से कहने लगी, उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ भगवान से नहीं रहा गया, अरे कैकेयी क्या कर रही है, इतना बड़ा अनर्थ मत कर। जानकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानकी के आभूषण नहीं उतरने चाहिए, ये गुरु वशिष्ठ का आदेश है। इसीलिए जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो सीता जी ने अपने आभूषण सब एक कपड़े में बांध करके किष्किंधा के पर्वत पर गिरा दिया था, ये वही आभूषण है जो सीता जी ने धारण किया है वनवास जाने से पूर्व। निषादराज देख रहे हैं, राम जी को देखे, लखन भैया को देखे, लेकिन जैसी ही मां जानकी को देखा है निषादराज ने, नहीं रहा गया, मां ये क्या हो गया, हाथों में कंदमूल फल लिए हुए हैं, भगवान को दे नहीं रहे हैं। प्यार में ऐसा ही होता है प्यारे, कंदमूल फल लिए हैं लेकिन भगवान को नहीं दे रहे हैं, हाथों में है, भगवान को देख रहे हैं केवल। राम जी, जिस समय आपको राज्य का उपभोग करना चाहिए था, उस समय आपको वनवास हो गया। राम जी,
निषाद राज ने प्रणाम किया है राम जी को। राम भजो। और टुकुर टुकुर देख रहे हैं निषाद राज। राम भजो। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागी, इतने अनुराग से देख रहे हैं, कंदमूल फूल देना भूल गए। राम जी ने देखा निषाद को, भैया इधर आओ, दूर क्यों खड़े हो, धन्य है हमारे ठाकुर। निषाद राज के हाथ से दोना अपने हाथ में ले लिए, जिसमें कंदमूल फल रखा हुआ था। राम भजो, राम भजो, राम भजो। लेकर के भगवान ने चखा है। ये है राम राज्य का आधार प्यारे। एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आज भगवान अपना बना रहे हैं, भोजन करके, कंदमूल फल खा करके। हमारे परिवार में, हमारे समाज में यदि कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे वो संपत्ति में छोटा हो, चाहे वो आयु में छोटा हो, उसका सम्मान किया करो प्यारे। ये राम राज्य का आधार है। जिस परिवार में छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान होता है, वास्तव में उसी परिवार में राम राज्य आ सकता है प्यारे। यदि आप चाहते हो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में राम राज्य हो, तो सबसे प्यार करो प्यारे, सबको अपने हृदय से लगाओ, सबको सम्मान दो प्यारे, सबको सम्मान दो। श्री निषाद राज ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपका हूं, बच्चे आपके हैं प्रभु। ये जो गांव देख रहे हो ना, जहां के राजा हम हैं, वह गांव भी आप